ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में कि यू सी दोज थिंग्स विच आर ब्रांडेड हैव द सेम वैल्यू, क्वालिटी वैल्यू, बट द अमाउंट फॉर दैट वी पे इज 5 times इवन 100 times एक्सपेंसिव. यू नो, यू जस्ट लाइक लुक एट द गुची एंड ऑल दोज अरमानी ब्रांड्स, या ये चीजें सेम शर्ट्स होती हैं, सेम ट्राउजर्स होते हैं, बट सिंस पीपल आर सो वाइब्रेंट अबाउट दैट, वो उसके लिए 10x 100x भी देता है, राइट? एंड यू सी द कार्स, यू कंपेयर BMWs एंड फरारीज विद टोयोटा, थोड़े ऑप्शन ज्यादा होंगे, बट द ब्रांड वैल्यू दैट पीपल परसीव फॉर इट, दे पे 10x फॉर इट. इसी तरह इंसान के बारे में, ठीक है, कि जिसका नाम होता है, पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट विद देम, पीपल वुड लाइक टू टेक देयर सजेशंस, पीपल वुड लाइक टू ब्रिंग देम एज अ मॉडरेटर, ऐसा ही है, राइट? पीपल हु हैव बीन इन द सोशल सर्विसेज एंड ऑल. तो या आज भी जो लोग दुनिया से चले गए अच्छे, यू नो, यू स्टिल वुड हैव रिमेम्बर, अच्छा वो गांधी जी के ब्ला 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 पोते हैं, यू नो, कायदे आजम के ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, यू गो टू दिस प्लेसेस. तो ब्रांड, ब्रांडिंग हैज द वैल्यू, ठीक है? अब सवाल है ये ब्रांडिंग कैसे की जाए. जिस तरह नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी ब्रांडिंग होती है, लिविंग थिंग्स पे भी ब्रांड होती है, इंसान भी ब्रांड होता है, राइट? और व्हेन यू गेट पॉपुलर, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल, पीपल प्रेफर, ओ मुनीरा सचवानी तो मेरी आंट है, ओ मुनीरा सचवानी तो मेरी सिस्टर है, ओ मुनीरा सचवानी तो मेरे साथ बचपन में पढ़ी है मैट्रिक में, यू नो. सो टिल द टाइम मुनीरा सचवानी वॉज नथिंग, नो बडी केयर्ड, बट वेन मुनीरा सचवानी बिकेम समथिंग, अब वो सबकी आंट, सिस्टर, डॉटर, नेबर सब बन जाएगी. येस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द पॉइंट, राइट? तो पीपल वुड लाइक टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद, कहते हैं ना, चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, पीपल वुड लाइक टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद सक्सेसफुल पीपल. कितना सच है, कितने लोग अग्री करते हैं? रेज योर हैंड. मुस्कुराहट देख के वैसे ही लग रहा है सब अग्री करते हैं. तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ब्रांडिंग होती है. लेट्स लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक. किस तरह से अपने इर्द गिर्द देखो, अपने इर्द गिर्द सोचो, जमात खाने में, कम्युनिटीज में, नेबर में, पुराने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, एनिमीज में, पीपल हु यू एनवी, समटाइम्स आप जेलस होते हो, अरे बाप रे ये इतना आगे कैसे निकल गया, वॉज अ कॉमन मैन, यू नो, मैं तो रॉक स्टार, चैंपियन, अल्लाह ने सारे के सारे क्वालिटीज, मेरे बाद मेरे ऐसा बंदा नहीं बनाया, बट मेरे को इतना कुछ नहीं मिला, उसको मिल गया, यू नो. पीपल हैव स्टार्टेड लाफिंग, भले मानो नहीं मानो होगा कोई. थिंक अबाउट कैसे ब्रांड बना. जस्ट थिंक दैट पर्सन, ही और शी एज थर्ड पर्सन, आप उसको नहीं जानते, जस्ट इवेल्युएट करो. 2 मिनट के लिए क्लोज योर आईज, देन वील टॉक. सो एक मैजलोस की हायरकी है. मैजलोस एक आदमी गुजरा 18 सदी में, उसने बोला कि इंसान जो है ना पैदा होता है ना, तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिंदगी में, और सबसे पहला लेवल होता है बेसिक्स, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान. यू नो, पहले इंसान जब पैदा हुआ, या आबा अजदाद हमारे थे पुराने जमाने के जो जंगल्स में रहते थे, उनने सिविलाइज होने की कोशिश की, ठीक है? उन्होंने बोला रोटी इजार कपड़ा इसके मकान, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का स्लोगन भी है कि हम रोटी कपड़ा मकान देते हैं, आप हमें वोट दो, राइट? फिर जो होता है वो भी ले लेते हैं, बट बॉटम लाइन इज के बेसिक नीड्स पे बात करते हैं, बिकॉज दुनिया में आज भी 70% लोग जो अल्ट्रा पुअर या पॉवर्टी में है, वो रोटी कपड़ा मकान में ही फंसे हुए. और आपको हैरत होगी जान के कि अमेरिका के अंदर जिस आदमी की इनकम 1,60,000 डॉलर से ज्यादा है साल की, और ऐसे खाली 2% अमेरिकन है. सो इफ यू योर फैमिली इज विद इन दैट, हो सकता है आपको लगे यार वो कम्युनिटी में तो हर दूसरा आदमी इस पर है, ठीक है, या आगे पीछे, तो माशाल्लाह दैट्स द ब्लेसिंग्स बाय मौलाना, यू नो. 2% लोग उस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, एंड वो यहाँ पे आते हैं मेज़लोस में, जिसने बेसिक नीड्स पूरी कर ली, उसके बाद वो आ गया सिक्योरिटी के लिए. तो सिक्योरिटी के लिए क्या किया उसने, बोला यार घर होना चाहिए. जिसके पास ज्यादा पैसे, ज्यादा सिक्योरिटी है, उसने अच्छे नेबरहुड में घर लिया, ठीक है? जिसके पास और ज्यादा सिक्योरिटी है, उसने अमेरिका जैसी जगह पे ADT भी लगा लिया, यू नो. जिसके पास और ज्यादा सिक्योरिटी है, उसने सिक्योरिटी गार्ड भी ले लिया, ठीक है? डिपेंड्स ऑन कितनी सिक्योरिटी है ये, बस एक पॉइंट पर आके वो नीड खत्म हो गई. फिर पैसा आपके पास जरूरत से ज्यादा है, ठीक है? आपको $1 चाहिए, आपके पास $3 है, ठीक है? पैसे तो दुनिया में हर एक को कम लगते हैं, यू नो.
हो सकता है वॉरेन बुफेट ही बोलता हो यार थोड़े से ज्यादा होते तो मजा आ जाता वहाँ, ठीक है। लेकिन नरगिस बोलती है अरे बाप रे मेरे को इसके 110 भी मिल जाए तो मैं तो पार्टी करूँ, राइट। सो डिपेंड करता है, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म, ये मुझे पता है नरगिस को नहीं चाहिए, वो सूफी सोल है, वो आपके पास ज्यादा है तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर तो पड़ा है नरगिस आपके पास, तब डाल सकते हो। अगर बात क्या है कि चीजें रिलेटिव है ना, एक आदमी के लिए पैसा $1,000 बहुत है, एक के लिए 10,000 बहुत है, एक के लिए 100,000 महीने का भी कम है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द नीड एंड द ग्रीड, इन दोनों चीजों में डबल ही आता है, राइट। नीड और ग्रीड में क्या फर्क है? क्वेश्चन आ रहा है पॉपुलर कैसे हुआ जाए, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाए। लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। मुनीरा साचवानी, जो लोग पॉपुलर हैं या इर्द गिर्द है, ठीक है। अब आप बहुत सिंपल देखो, एंड आई लर्न फ्रॉम इमाम सुल्ताना मशा वर्सेज हजर इमाम सरमान। इमाम सुल्ताना मशा की आप बात पढ़ो, यूज टू से वर्क हार्ड 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 कीप द हेड डाउन एंड वर्क हार्ड, यानी बातें कम करो काम ज्यादा करो, राइट। व्हेन यू हियर दिस इमाम ऑफ द टाइम ही सेज वर्क हार्ड प्ले हार्ड एंजॉय द लाइफ एंड कम्युनिकेट, यानी जो काम किया है उसको बताओ भी लोगों को, शेयर भी करो, यू नो। देखिए बहुत अच्छा काम किया, कमरे में बंद है वो काम, दुनिया को पता ही नहीं है तो दुनिया की नजर में वो काम हुआ ही नहीं, राइट। तो आपने देखा होगा, अब ये भी नहीं कि कुछ काम भी नहीं हुआ, ऐसे भी लोग हैं जो कुछ काम नहीं होते और हार पहनाए जा रहे हैं, यू नो फोटोग्राफीज हो रही है, स्टेज पे बुलाए जा रहे हैं, एंड पीपल कैन रियलाइज, यू नो दोस काइंड ऑफ पीपल, दोस काइंड ऑफ सेलिब्रिटी जो फेक अवार्ड क्रिएट करते हैं वर्सेज वो जो वाकई अवार्ड के हकदार है, राइट। सो किसी हद तक काम करके दिखाना जरूरी है आज की तारीख में, प्रोबेबली क्यों, क्योंकि आज की तारीख में पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। चाहे वो अपनी मशहूरी के लिए हो या वो पर्पस की मशहूरी के लिए हो, कभी कभार आप अच्छा काम करके लोगों को दिखाते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू वेलकम देम कि यार आओ मुझे ज्वाइन करो ताकि 100 लोग या 1,000 लोग मिलके दूसरे 1,000 लोगों का भला करें, ठीक है। तो कभी कभार अच्छे काम को फैलाना अच्छी नीयत से, अब कहते हैं ना ऊपर वाला, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें कुरान में है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। सो ऊपर वाला सबसे पहले ये नहीं देखेगा कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, ये देखेगा तुम्हारी नीयत कितनी प्योर थी, तुमने काम शुरू किया वो फेमस होने के लिए किया कि वाकई किसी की मदद करने के लिए किया, राइट। तो आपकी खुद की ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, सक्सेस रूल 3। और मेरे पास वो वीडियो नहीं है बट आई वॉज मुझे शौक है बायोग्राफीज पढ़ने का लोगों की, एंड आई वॉज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ अ वेरी फेमस सिंगर, और वो एक बात ये कहता है कि जब मेरा टाइम था उस जमाने में ना यूट्यूब्स था ना कॉन्सर्ट्स थे ना टीवी रियलिटी शोज थे, तो हम लोगों को सेलिब्रिटी बनने के लिए 6 से 7 साल धक्के खाने पड़ते थे स्टूडियोज के डायरेक्टर्स के, और एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं 7 आवर्स खड़ा रहा एक बड़े डायरेक्टर की वेटिंग में, और मैं अकेला ही था, मैं चाहता बैठ सकता था लेकिन मुझे पता था कि वो डायरेक्टर कभी भी आ जाएगा और वो मुझे बैठा हुआ देखेगा तो बोलेगा ओ बैठा हुआ है ना आदमी 7 घंटे से, वर्सेस वो आदमी 7 घंटे से खड़ा हुआ है। कहते हैं दोनों में बहुत फर्क था, कहते हैं मैं 7 घंटे खड़ा रहा, कहते हैं आज की जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, उनको ईगो बहुत बड़ा है, वो कुछ भी चीज के लिए वेट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ओ आई एम समथिंग फ्रॉम डे वन, कहते हैं शुड आई हैव थॉट के आई एम समथिंग फ्रॉम डे वन, आज मैं इतना बड़ा नहीं बनता जितना बड़ा मैं हूँ। और कहते हैं अब आप बड़े बन गए हो, नाउ यू डिक्टेट योर रूल्स, आज दुनिया आपके रूल्स फॉलो करेगी, बट जब तक आप कुछ नहीं हो आपको दुनिया के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को हम्बल रखना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद द पॉइंट रेज योर हैंड, ठीक है। तो एक बार सक्सेसफुल लोगों से ये सीखने मिली जो अभी आपने बोली कि स्टे हम्बल कीप हम्बल एंड स्टे हम्बल, कीप हम्बल और स्टे हम्बल में बड़ा फर्क है। कीप हम्बल मतलब कि आपका शुरू का टाइम है, आप जो भी करने जा रहे हो, ठीक है, आपको मुश्किल आ रही है, लोग आपको नहीं समझ रहे, उस वक्त तो चलो आपने कीप हम्बल कर लिया, आपने पेशेंस रख, अब आप कुछ बन गए, अब दुनिया की आपको जरूरत नहीं है, जैसे भी किसी ने कहा, अब आपके पास पैसे ज्यादा है, अब आपके पास कॉन्टैक्ट ज्यादा है, अभी यू आर एट अ पोजिशन माशाल्लाह यू डोंट केयर फॉर एनीवन, अब आपका एटीट्यूड बढ़ना शुरू होता है, अब आप बोलते हो यार मैं सिलेक्टिव लोगों से बात करूंगा, अब मैं सामने से क्यों हाई करूं या मदद करूं वो मुझे हाई करे, राइट। वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट ये होता है,
कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात से, येस और नो, रेज योर हैंड्स। तो ये अपने आप को जो एम्पावरमेंट कहते हैं ना, सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारा ईगो कितना बढ़ गया है पहले से, क्या हम उसी की तरह पहले की तरह के हैं जो लोगों को विदाउट भेदभाव हाय कर देते हैं, या हम सोचते हैं नहीं यार वो बड़ा आदमी है मुझे उसको जाके खुद हाय करना चाहिए, बट ये इतना ज्यादा वेल स्टैब्लिश नहीं है, ये मुझे खुद आके हाय करेगा तो ठीक है वरना मैं जवाब। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर एक के हाय का जवाब भी नहीं देते, वो एटीट्यूड की पीक पर होता है, राइट? तो जो भी हम करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी कितनी है। और आप याद रखो कुरान की जो मशहूर आयतें हैं, चाहे सूरह फातिहा है, कुल अल्लाहु अहद, उसका पहला बेसिस क्या है? खुदा बोलता है अल्लाहु अकबर या कुल अल्लाहु अहद, मैं बड़ा हूँ। खुदा आपके बड़े बोलने से बड़ा हो या छोटा होता है? हमारी पोजीशन क्या है दुनिया के अंदर या यूनिवर्स के अंदर? बट हमारे किसी और को बड़े बोलने से हम छोटे हो जाते हैं, राइट? तो हमारे अंदर से वो ह्यूमिलिटी निकाल लेता है, क्योंकि हम्बलनेस निकली शैतान के अंदर से, तभी तो वो शैतान बन गया, वो प्राउड में आ गया, राइट? तो हमारा मसला ये है कि जब भी हम भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना उसको, तो हमारी भी नाक थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। वी गेट प्राइड, वी गेट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, वी गेट आउट ऑफ पेशेंस, हमको अपनी छोटी छोटी सक्सेस बहुत बड़ी लगने लगती है लोगों से, और हमारा ईगो बड़ा होता है। इसलिए आप देखते हो मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैव डन सो मच बट दे स्टिल स्टे हम्बल, और कुछ लोग बहुत कहते हैं ना नए नए अमीर बनते और ना किधर आ जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद द पॉइंट, रेज योर हैंड्स, राइट? तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी पर्सनालिटी को, एक बहुत अच्छे ऑथर ने कहा कि पैसा जो होता है ना वो आपकी पर्सनालिटी को मैग्नीफाई कर देता है। अगर आप अच्छे होगे ना तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे, अगर आप ग्रीडी होगे तो आप बहुत ग्रीडी बन जाओगे, अगर आप एटीट्यूड वाले होगे तो बहुत एटीट्यूड आ जाएगा। तो होता है कि दुनिया वाला, ऊपर वाला दुनिया वाले के सामने आपको एक्सपोज कर देता है जब बहुत ज्यादा पैसा देता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जब बहुत सक्सेसफुल उससे पहले बहुत अच्छे बन जाओ, ये शाहरुख खान कहता है अपनी बायोग्राफी के अंदर। वो ये कहता है कि बिफोर यू बिकम वेरी पॉपुलर बिकम वेरी गुड, बिकॉज जब पैसा आ जाएगा, फेम आ जाएगा, एक्सपोज हो जाओगे, और उस वक्त अगर बुरे इंसान निकले तो दुनिया के सामने आ जाओगे, राइट? तो इसलिए तब तक अच्छे इंसान बन जाओ, राइट? तो आज के जमाने में जो रूल नंबर 5 बता रहा है, जो ये ऑथर भी कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दुनिया ने गलत डेफिनेशन दी हुई है। उनको लगता है सक्सेस सिर्फ अनएथिकल होने से हुआ जाता है, ऐसा नहीं है। सक्सेस एथिकल होने के साथ साथ भी हुआ जाता है। एथिकल लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने बिजनेस के उसूल प्रिंसिपल्स। अब आप देखो, लुक एट द कंपनीज अराउंड यू। एक बात की मुनीना सचवानी ने कि सस्ता होता है तो हमको लगता है ब्रांड अच्छा नहीं है, महंगा होता है हमको लगता है ब्रांड अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, कल तक ये डेफिनेशन थी। आज आप जाके देखो अमेजोन, अमेजोन अमेजोन क्यों बन गया? सस्ता, फास्टेस्ट, और कोई प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चन आज नहीं, रिटर्न का बटन प्रेस करो, क्यूआर कोड निकालो, रिटर्न कर करो, कोई सवाल नहीं पूछेगा, यस और नो, राइट? तो इस पे एक बहुत ज्यादा डिबेट हो रही थी यूएई के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर ब्रांडिंग की कॉन्फ्रेंस थी, और वो उसमें वॉलमार्ट का मैनेजर खड़ा हुआ था, मार्केटिंग मैनेजर, और वो दुबई के बड़ी बड़ी कंपनीज को, लॉरेल्स को, उनको बता रहा था, कह रहा था तुमको पता है अमेरिकन सक्सेस और यूएई की सक्सेस या एशिया की सक्सेस में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो बोलता है क्यों है, तो बोलता है मैं आपको आपके इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से जवाब देता हूँ। बोलता है कुरान के अंदर खुदा है सेड कि अगर तुमने किसी से माल लिया है और कस्टमर तुम्हारे पास आ जाता है तो तुम क्या करते हो? उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, यू नो, थिंक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान या अदर जगहों पे कैसा होता है, शॉप से आप लो, रिटर्न करने चले जाओ, वो रिटर्न कर लेता है, यस और नो? दे नेवर रिटर्न इट, राइट? तो खुदा कहता है कि आप अगर किसी से माल लिया हुआ, सेल किया हुआ वापस ले लेते हो जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, तो तुम्हारे लिए जन्नत में दरवाजा हो गया पक्का, राइट? तो जन्नत में दरवाजा मतलब एक मोटिवेट किया मुसलमान को, राइट, कि इफ यू टेक द मनी बैक, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, आपको बुखार आ रहा है, ओ माय गॉड, ये मेरा नुकसान हो रहा है, बट खुदा कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, तुमने एथिकल बिहेवियर किया, तुम्हारा जन्नत में मकान पक्का, राइट? वो ये कहता है वॉलमार्ट ये पॉलिसी फॉलो करता है मुसलमान की, बट मुसलमान फॉलो नहीं करता है। इसलिए आप वॉलमार्ट में जाओ, दुनिया के सबसे बड़ा स्टोर है, सबसे बड़े एम्प्लॉयज है, सबसे बड़ा टर्नओवर है,
चाइना का आधा माल वॉलमार्ट खरीदता है बाय द वे, इतना बड़ा वॉलमार्ट का वॉल्यूम है, राइट। वो कहते हैं नो क्वेश्चन आस्क, हमने शुरू किया था, उसके बाद बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने अमेरिका में फॉलो किया। ट्वीट से कर रहा है, दैट्स वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज। तो आप देखो कि ये जो कॉर्पोरेट अमेरिका की कंपनीज है ना, ये टेक्निकली ऊपर वाले के उसूल हमसे ज्यादा अच्छे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सक्सेसफुल है। यस और नो, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? राइट, हम्बल है, सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और माल समझ नहीं आता तो वापस ले लेते हैं, खुद का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं यार तुम ठीक कह रहे हो, हमारे प्रोडक्ट में कुछ होगा रिटर्न कर दो। यस और नो, हाउ मेनी यू एग्री विद द पॉइंट? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि गुड ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉलो करती हैं और गुड ह्यूमन बीइंग को भी फॉलो करना पड़ता है। तो वो ये कहता है कि स्टे ऑन योर वर्ड्स, प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप एक टीचर हो, अगर आप कलेज से गैस स्टेशन है, अगर आप एक रियल्टर हो, आप कुछ भी हो, आप गलत कमिटमेंट ना करो, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। इसलिए नहीं कि आई विल मेक सम मनी इस कस्टमर को गलत बात, चूंकि द वर्ड विल कम बैक। आज आपने बेच दिया, ठीक है, आपने $1,000 बना लिए, $10,000 बना लिए, जो भी ट्रांजैक्शन थी, नेक्स्ट टाइम वो जाके बोलेगा नहीं यार ये बंदे ने मुझे गलत बात किया था। ठीक है, मेक श्योर, क्या हुआ आपके पास बिजनेस नहीं है? आज की दुनिया रेफरल पे चल रही है, रिव्यूज पे चल रही है, येस और नो? आज आपको कोई भी चीज चेक करनी है, आपको पूछना भी नहीं, आप गूगल में जाके रिव्यूज देख लो। गूगल हैज बिकम सो स्ट्रांग, एक जमाने में लोग रिव्यूज फेक देते थे, आज गूगल इज सो स्ट्रांग, गूगल फेक रिव्यूज को बैन कर देता है आईपी से, राइट। तो वो रेस्टोरेंट जो अच्छा खाना बनाते हैं, मार्केटिंग नहीं बट रिव्यूज अच्छे हैं, क्योंकि सर्विस अच्छी है, क्योंकि खाना अच्छा है, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पे खड़ा है, वो ग्रो कर जाता है, वो 1 के 10 बन जाते हैं। और वो लोग जो मार्केटिंग ज्यादा करते हैं बट 10 रिव्यू खराब आ गए, कस्टमर बोलते हैं नहीं यार लास्ट 10 कस्टमर्स वर नॉट हैप्पी। आप होटल बुक कराओ, वो बता देंगे होटल में बग्स हैं या ये हैं या ये या ये, आप ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दोगे, बोलोगे नहीं होटल सही नहीं है। यस और नो, डू यू एग्री विद द पॉइंट? सो सारा का सारा गेम एथिक्स पे आ गया ना। हमको एथिक्स किसने सिखाया? ऊपर वाले ने सिखाया, और हमको लगा कि शायद टू बिकम रिच और टू बिकम ब्रांडेड एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, बट नो वी वर रॉन्ग। दुनिया के बड़े तरीन ब्रांड्स आज एथिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सो हमको ये बात समझ आई कि बीइंग गुड ह्यूमन विल ऑल्सो मेक अस पॉपुलर। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? ठीक है, सो एक पॉइंट ये समझ आया, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल बी ऑनेस्ट। ठीक है, और ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको बुक से बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट तो ये बताता है, जो आज थोड़ी क्लास जल्दी खत्म करेंगे बिकॉज देयर इज समबडी वेटिंग फॉर मी, कुछ गेस्ट है, बट वो ये कहता है कि नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। यू लुक एट ऑल द इमाम्स, फरमान्स, ब्लेसिंग्स। आज इमाम बोलता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे बच्चे अलाइंसेस में, पार्टनरशिप्स में मिलके काम करते हैं, राइट। बट इस तरह काम करो कि किसी को हार्म नहीं करो, मेक अ क्लियर एंट्री पॉलिसी, मेक अ क्लियर एग्जिट प्लान, बट मिलके काम करो, मिलके बाइंग करो, मिलके खरीदारी करो, मिलके बेचो। हम बीइंग देसीज या एशियंस, क्योंकि हम एशियंस कहलाते हैं या अमेरिकन एशियंस कहलाते हैं, हमारा साइकोलॉजी जो है ना, इसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है, वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, राइट। हम चाहते भी हैं जो लोग 20-25 साल से रह रहे हैं वो भी ट्रिम एंड टीयर थोड़े से हुए हैं, बट जो लोग समझ गए हैं, जो लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हैं, वो ये इस कंट्री में आके समझ गए हैं कि मेन बरकत है मिलके काम करने में, बिकॉज आप इतना से काम कर सकते हो बट 100 लोग मिलके 100 100 मिलियन डॉलर के कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। यस और नो? राइट, तो इतनी ज्यादा बरकत आ जाती है। ठीक है, रिवॉर्ड भी कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत दफा जो है ना, नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन हर जगह चाहिए। अगर आप एक टीचर हो तो 50 टीचर्स को दोस्त बना लो, वर्क टुगेदर। अगर आप एक सेवादारी हो, 10 सेवादारी को साथ में रखो, यू नो, वर्क टुगेदर। अगर आप गैस स्टेशन चला रहे हैं, 10 गैस स्टेशन वाले को दोस्त रखो, ना कि दुश्मन करो, प्राइस वॉर करो। ठीक है, वो कस्टमर जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आएगा, जो सामने वाले के पास है वो सामने आ जाएगा। देर इज नो पॉइंट ऑफ प्राइस वॉर, क्यों अपना बीपी बढ़ाते, राइट। आपका रिस्क ऊपर वाला डिसाइड करेगा, एक इंसान डिसाइड नहीं करेगा क्या। सो ये कह रहे हैं कि जब आप
का एटीट्यूड नेटवर्क एंड कोलैबोरेटिव हो जाता है, आपको बरकत मिलना शुरू हो जाती है, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हो, लोग पसंद करते हैं, और आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसी ऐसी जगहों से आती है जहां आपको ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता है, वर्सेस एक ऐसा आदमी जो सारी चीजें छुपा के रखे, उससे भी सब छुपा के रखते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? आप खुद देखो, लास्ट टाइम इन लाइफ हु वॉज द पर्सन और हाउ वॉज ही और शी, कितना ओपन पर्सन था वो जिसके साथ आप ओपन हुए थे, आपने अपनी भी बातें उनको बताई, जस्ट बिकॉज वो बंदे ने भी ओपनली आपको अपनी चीजें बताई, येस और नो? बट कोई ऐसा आदमी मिले जो बोले नहीं, मैं सब समझ लूं, अपना कुछ नहीं बताऊं, कहते ना डेढ़ होशियार, तो आप बोलो डेढ़ होशियार, मैं ढाई होशियार हूँ, ठीक है ना, लेट्स प्ले, तो वो कुछ नहीं बताएगा, आप भी कुछ नहीं बताओगे, तो कम्युनिकेशन में किसी को भी मजा आया कुछ नहीं, अभी भी कॉफी लंच डिनर किया, पर नेक्स्ट टाइम वो भी आपको नहीं बुलाएगा, आप भी नहीं बुलाओ, उसने आपने बोला ठीक है यार कोई। तो दुनिया में हर एक आदमी होशियार है, यू नो एवरीबडी इज स्मार्ट एंड कनिंग, वो ये कहता है कि नेटवर्क एंड कोलैबोरेट करो ना, डर के क्यों जीते हो, अपना आइडिया अपने तक रखूं, अपनी सक्सेस अपने तक रखूं, कहता है ये इंसान तब करता है जब उसका भरोसा ऊपर वाले पे नहीं होता, जिसका ऊपर वाले पे भरोसा होता है ना, वो खुल जाता है दुनिया से, वो डरता ही नहीं, और उसके खुलने से होता ये कि उसको ब्लेसिंग्स और मिलना शुरू हो जाती है, वो लोगों की मदद करता है बिना डरे कि मेरा अपना क्या होगा, मेरी अपनी दुकान कैसे चलेगी भाई, आज तो सबसे बड़ा डर लोगों को यही है, लेकिन वो लोग जो बता रहे होते हैं उनके पास और कोलैबोरेशन आती है, वो बोलते हैं यार चलो मिलके ये भी करते हैं, मिलके वो भी करते हैं, मिलके ये भी करते हैं, क्या हुआ उसी के साथ एक्सपेंशन हो गई, उसी के साथ 15-20 पार्टनर जुड़ गए, वो तो मदद के लिए बता रहा था, सामने से ब्लेसिंग आ गई, ठीक है, शनाज वॉन्ट्स टू से समथिंग, लोगों ने किसी को बताया नहीं, आज मर गए, कब्रों के अंदर दफनाए हुए, राइट, आइडिया भी चला गया उनके साथ जो भी उनकी जिंदगी थी, जितने भी लोग हैं आज, आप कहते हैं ना एडिसन ने बल्ब बनाया 999 टाइम्स फेल हुआ, क्यों पता है कि बल्ब बना के किसी को बताया ऐसे बनता है भाई, ठीक है, उसने टेस्ला ने टेस्ला बना के बताया भाई ऐसे बनती है इलेक्ट्रिकल गाड़ी, ऐसे बनती है ट्यूबलाइट, ऐसे पानी को प्योरीफाई किया जाता है, तो जमाना चले गया 100-200 साल, 500 साल हो गए, आज भी लोग यूज कर रहे हैं और उनकी कहानियां बच्चों को सुना रहे हैं उनके कोर्स बुक सिलेबस में, बट वो लोग जिन्होंने अपनी चीजें बताई नहीं, 100 साल हुआ मर गए, आज हमें भी नहीं पता ना उनकी जिंदगी में कोई उनका फायदा हुआ ना हमारा फायदा हुआ, तो वो लोग जो अपनी चीजें अपने तक रखते हैं लाइक शनाज लेट्स क्लैप फॉर, वो 2 पैसे बना के चले जाएंगे बट जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं लाए, बट अगर आपका दिल बड़ा हो गया, आपने डरना छोड़ दिया दुनिया वालों से, वो लोग क्या करेगी दुनिया, राइट, मेरे पास आके खोल लेगी ना, सबसे बड़ा मसला क्या, यू सिट एंड टॉक विद पीपल, बोले वो गैस स्टेशन की उसको सेल पता चलेगी, 4 गैस स्टेशन मेरे पास खोल देंगे, राइट, लोग डरते हैं, राइट, दैट्स अ कॉमन थिंग पीपल डू, बट लोग ये भूल जाते हैं कि यू नो एट द एंड ऑफ डे रिस्क में जाने वाला, रिस्क देने वाला ऊपर वाला, इंसान किसी से कुछ छीन नहीं सकता, राइट, तो हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हुए, शेयर करते हुए, फीलिंग्स बताते हुए, हम सोच के आ रहे हैं बताते हुए, हम कर के आ रहे हैं बताते हुए, डरते हैं बिकॉज हमें नजर बहुत लग जाती है, राइट, बट बुर्जुल अरब को तो नजर नहीं लगती है, वो खड़ा हुआ है और बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन रोज कर रहा है, तो ये एशियन माइंड सेट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमें से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट इज शेयर वैल्यूएबल कॉन्टेंट, आज की जो दुनिया है वो ये कह रहा है कि अगर वाकई कुछ करना चाहते हो ना, और ये किसी और ने भी कहा था, बड़े ऑथर ने, उस जमाने में जब चीजें कॉमन नहीं थी, उसने ये कहा था कि आज वाकई कुछ करना चाहते हो ना तो राइट अ बुक, जो हमने कोशिश भी की, सो लेट्स क्लैप फॉर ऑल द सीनियर्स, शायद बहुत सारों को नहीं पता हो बट इन सीनियर ने मिलके एक बुक भी लिखी है जो अमेजोन पे भी मिलती है और बार्नज एंड नोबल से भी मिलती है, उसका नाम एम्पावरमेंट टॉक है, कितने लोगों को पता है, रेज योर हैंड्स ये बात, क्योंकि बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए, बट कोई बुक का लिंक डाल सकता है चैट में ताकि वो लोगों को जिनको पता नहीं है पता चल जाए, तो हमने टॉप 100 टॉपिक्स उठाए थे और 100 सीनियर ने एक एक पेज लिखा और वो 200 पेज की बुक बन गई, जिसका पहली बुक है दुनिया की जिसमें 100 ऑथर है, तो इनमें से बहुत सारे लोग है जो आज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आई थिंक कोविड के बाद हुआ था, तो वो ये कह रहा है कि क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, वो ये कह रहा है बहुत सारे लोग सीखते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैंने अब ये सेशंस रिकॉर्ड करके
asm.co पे डालना शुरू किए। अब आप जाओगे ना asm.co पे, तो आपको वहां पे एम्पावरमेंट टॉक्स का टॉपिक मिलेगा और वहां पे मिलेगी। मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं डालता, बिकॉज देयर इज नॉट ऑफ रिलीजियस टॉक एज वेल, राइट? तो मैं ओपन नहीं रखता हूँ। बट आज आप जो बात करते हो, या आपने अपनी 80 साल 100 साल की जिंदगी गुजारी, आपने कितना कुछ सीखा, येस और नो? आपको नहीं आता था काम, आपने मार खाई जिंदगी में, आपने बोला ओ नाउ आई नो हाउ टू डू दिस एंड हाउ नॉट टू डू दिस, राइट? तो अब आप जब सीख गए, अब आप चले गए दुनिया से, आपका टिकट और वीजा आ गया, तो वही वाला शहनाज वाली बात होगी ना, गुड थिंग्स आर बरीड अंडर द ग्राउंड, यू एंड आई आर बरीड अंडर द ग्राउंड 20-30 साल बाद, राइट? 50 साल बाद। तो क्या हुआ, हमारे सीखने का कुछ फायदा हुआ? शुड यू हैव रिटन अ बुक, शुड यू हैव मेड यूट्यूब वीडियोज, शुड यू हैव मेड टिकटॉक वीडियोज? दुनिया टिकटॉक अलग अलग तरह के बनाती है, आप मोटिवेशन से बनाओ भाई। नरगिस अजीज इज वेरी गुड विद स्पिरिचुअल साइंसेस, स्लीप थेरेपी, उसके ऊपर बनाओ ना यूट्यूब, कौन बना करता है? शौकत भाई, यू कैन मेक वीडियोज। नवतोनिया से, अब आप बोलोगे यार मेरा, अब अपने आप को टोनी रॉबिन से कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि मेरा बनाने का क्या फायदा जब इतने बड़े बड़े गुरु मौजूद है। आप लोग वो अलग है, ऊपर वाले ने आपको अलग सिखाया है, उसको अलग सिखाया है, राइट? तो वो ये कह रहे हैं आज की जिंदगी में, डिजिटल एज में, शेयर वैल्यूएबल कंटेंट। आपको पता नहीं कि आपने कुछ बनाया और 200 साल बाद वो किसी एक बच्चे ने सुन लिया और उसकी जिंदगी बदल डाली आपने, तो क्या होगा? ऊपर छठे सातवें माले पे बैठे हुए एक SMS आएगा आपके नाम पे, बुके आएगा और बोलेगा अरे इसने तुम्हारा YouTube देखा, ऊपर वाला बोलेगा शाबाश नरगिस, तब की ये ले जबरदस्त, मजा आ गया, तूने YouTube चल रहा है, राइट? तो ऊपर बैठे हुए YouTube का रेवेन्यू मिल रहा है, समझ रहे हो? तो आज की डिजिटल एज वैसी है। तो वेन यू लिव इन दैट एज, बी इन दैट एज, बुक्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब बनाओ, राइट? यू ऑल हैव डन सो मच। सरोज वाड़ी वाले ने ECD स्कूल खोले ना, मेक द यूट्यूब कॉन्टेंट, हाउ टू ओपन ECD स्कूल्स, ठीक है? कोई भूला भटका ECD वाला आज के जमाने में कोई किसी को नहीं सिखाता, आप सिखा दो यार। मतलब तो वैसे ही बोलते हैं टाइम एंड नॉलेज शेयर करो, टाइम है तो नॉलेज शेयर करो, मेक द यूट्यूब वीडियोस, राइट? ठीक है, व्यूज के लिए या फेमस होने के लिए नहीं, इसलिए कि किसी की मदद करना चाहते हो, फेमस ऊपर वाला खुद कर देगा। तो टेक द फोटो ऑफ दी 6-7 पॉइंट्स, कैन समबडी डू दैट? फोटो लेके व्हाट्सएप पे डाल देगा ये, अदरवाइज यू कैन वॉच द वीडियो। सो लेट्स क्लोज टूडेज टॉक 15 मिनट अर्ली, बट आई थिंक वी आर डन एंड थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट थर्सडे।